बुलंदशहर से बड़ी खबर, सदर विधानसभा क्षेत्र स्थित डीएम कॉलोनी में लगा मतदान के बहिष्कार का फ्लैक्स इलेक्ट्रिक पोल पर लगाया गया। रास्ता नहीं तो वोट नहीं का फ्लैक्स। कॉलोनी में 2017 में बुलंदशहर की तत्कालीन डीएम रोशन जैकब ने कॉलोनी में लगाई थी दीवार। अज्ञात लोगों ने चुनाव बहिष्कार का लगाया फ्लैक्स। फ्लैक्स पर निवेदक में लिखा गया प्रभावित मतदाता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष चौधरी। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि सन 2017 में नवंबर में कुछ असामाजिक तत्व यहाँ गड़बड़ कर दी थी उन्होंने, और रोशन जैकब डीएम थी यहाँ पर। उन्होंने ये निर्णय लिया कि अपनी सेफ्टी के लिए, कॉलोनी की सेफ्टी के लिए चारों तरफ दीवार लगवा दी जाए। खैर, जब दीवार की बात आ रही थी तो उनसे जाके मिले, उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूरी दीवार नहीं लगवा रही हूँ, इसमें निकलने के लिए रास्ता मैं छुड़वा दूंगी। हम लोग आश्वस्त हो गए कि चलो, अपनी सेफ्टी हर आदमी करता है, जब रास्ता हमें मिल गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद में यहाँ भोला जी से रिक्वेस्ट की गई कि जी हमें पूरा रास्ता जैसे पहला खुला हुआ था वैसे ही हमें खुलवा दिया जाए। वो यहाँ पर आए, आकर उन्होंने यहाँ हथौड़े से दीवार तोड़ के और लोगों ने तोड़नी शुरू कर दी और वो पूरा रास्ता दीवार ढहा दी। जब डीएम साहब को ये पता लगा कि यहाँ दीवार बिल्कुल हटा दी है, तो जहाँ जहाँ लोगों ने दीवार तोड़ी वहाँ पर उन्होंने फिर बिल्कुल दीवार लगा दी और वो रास्ता भी बंद कर दिया। कई बार उनसे रिक्वेस्ट की गई, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब भोला साहब भोला जी से ही जाके अपनी रास्ता खुलवा लो, हम नहीं खोलेंगे। अगले डीएम आए, उन्होंने आश्वासन दिया, यहाँ स्वयं आए वो अभय प्रताप सिंह क्या उनके बाद में जो आए थे, और वो यहाँ खुद देख के गए। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आप लोगों को है तो दिक्कत। मैंने कहा जी मेन परेशानी ये है, ना तो हम मंदिर जा पाते हैं, ना टहलने जा पाते हैं, यहाँ बिल्कुल एकदम कैद से हो गए हैं, पैदल का रास्ता तो हमें दे ही दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, हम पैदल का रास्ता आपको दे देंगे। तो अब आप लोगों की क्या मांग है? अब हमारी मांग ये है कि इस चुनाव में तो हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, किसी को हम वोट नहीं देंगे। हमें आश्वासन मिले हैं शासन से भी, प्रशासन से भी, नेताओं से भी, लेकिन किसी ने हमारा रास्ता नहीं खुलवाया। नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही बाकी वीडियो देखने के लिए देखते रहिए द इंडियन समाचार, और वीडियोस पसंद आने पर हमारे चैनल द इंडियन समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।